हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक कमाल की ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इतना ज़्यादा हाई किल करने लगोगे ना, आपके दोस्त आपसे पूछेंगे भाई तूने इतना किल कैसे किया, इतना अच्छा कैसे खेलने लगा। या दोस्तों जो दोस्त आपको नोक बोल रहे थे, जो बोलते थे कि आप अच्छा नहीं खेल पाते पबजी मोबाइल तो ज़्यादा किल नहीं कर पाता, ऐसा जो आपको बोलते थे वो आपकी तारीफ करेंगे भाई इतना अच्छा तू कैसे खेलने लगा। इतनी कमाल की मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक बताने वाला हूँ, आप एमुलेटर के बंदों को ईजिली किल कर पाओगे। जहाँ दोस्तों सही सुना आपने, ईजिली उन्हें मार सकते हो। और भाई आप एमुलेटर जैसा खेलोगे अपने मोबाइल फोन में, जो देखेगा आपका गेम प्ले ना वो भी चौंक जाएगा देख के। तो अगर आप जानना चाहते हो कौन सी ट्रिक है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को यार प्लीज 5000 लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पे भी जाके फॉलो कर लो। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जब हम पबजी मोबाइल डाउनलोड करते हैं तो हमें सेम ऐसा कंट्रोलर दिया जाता है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं जो फायरिंग होती है सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। यहाँ पे इस बंदे को मारने में यहाँ पे आप देख लीजिए मुझे कितनी सारी दिक्कत हो रही है। मैं एक बंदा किल करने में यहाँ पे आप देख लीजिए स्कोप किया, उसके बाद फायरिंग, मतलब कि देख सकते हैं स्कोप कितना अलग है, फायरिंग कितना अलग है। यहाँ पे जब हम नया नया पबजी डाउनलोड करते हैं तो हमें सिर्फ दो थंब से अपने पबजी मोबाइल को कंट्रोल करना होता है। उसमें आपको पता है रिकॉइल कंट्रोल, एक मतलब कि दो थंब होते हैं, उससे भाई आप रिकॉइल कंट्रोल करोगे, फायरिंग करोगे, स्कोप करोगे या फिर मूवमेंट करोगे। इतनी सारी चीज़ें आप दो थंब से इतना स्पीड में नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेकिन पबजी मोबाइल में टाइम नहीं होता। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं भाई, इस बंदे को मारने के लिए मैं ना एम कर पा रहा था, ना स्कोप कर पा रहा था सही से, और रिकॉइल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो ये होता है जब हम पबजी मोबाइल पहले डाउनलोड करते हैं, ऐसे ही हम नोबड़े की तरह पहले खेलते हैं, मतलब कि हमें किल करने आता ही नहीं। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं इस बंदे को मारने के लिए मुझे इतना टाइम में तो वो बंदा मुझे मार सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन फाइनली उसके टीम वाले ने मुझे मार दिया। तो ये है सबसे पहले का। अब जब आप मेरा ट्रिक यूज कर लोगे तो ये है। जहाँ दोस्तों मेरे ट्रिक के बाद आप देख सकते हैं मैं कितना फास्ट किल करूंगा, आपको देखना यहाँ पे कितना फास्ट में बंदों को इजीली किल कर पा रहा हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है ना रिकॉइल का, मतलब कि रिकॉइल भी मैं इजीली कंट्रोल कर पा रहा हूँ और उनके पास जाके प्रॉन होके भी मार रहा हूँ। और देख सकते हो यार वो लोग मतलब मुझे मार भी नहीं पा रहे, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं। और कितना हाई मैं इस, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें मैंने 15 किल किए थे। जहाँ दोस्तों सही सुना आपने, मेरा हाइएस्ट किल है टीडीएम हाउस का 30 किल मैंने हाइएस्ट किया है, वो भी मेरी ट्रिक की वजह से। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई आपको नहीं मार पाएगा अगर आप मेरा ट्रिक फॉलो करोगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए इस बंदे को भी मैं इजीली ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी गया, इसके टीम वाले को ख़त्म करने गया लेकिन मेरा रिलोड में फंस गया, नहीं तो मैं उसे भी इजीली ख़त्म कर देता। और इन्हें मतलब मैं काफ़ी दूर दूर से मैं रिकॉइल कंट्रोल करने के साथ साथ बंदों को किल कर पा रहा हूँ। यहाँ पे एक बंदा और आता है जिसे मैं प्रॉन होके इजीली ख़त्म कर देता हूँ और यहीं पे हम मैच विन कर जाते हैं। तो ये था मेरे ट्रिक को फॉलो करने के बाद इजीली हम 15 किल कर सकते हैं, 20 किल कर सकते हैं या फिर ज़्यादा किल कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरी ट्रिक क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉक। जी हाँ दोस्तों, आपको एक क्लॉक सेट करनी होगी। आपको इसके लिए ना सेटिंग में जाके कंट्रोल में जाना होगा और उसे कस्टमाइज करना होगा। कस्टमाइज करोगे तो सेम ऐसा चीज़ दिखाई देगा। यहाँ पे फायरिंग देख सकते हैं अलग है, स्प्रिटिंग अलग है, बैगिंग का जो मैंने यहाँ पे किया है अलग किया है, और जो मूवमेंट का है उसे मैंने काफ़ी ज़्यादा छोटा कर रखा है ताकि मैं ईजिली मूव कर सकूँ। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पास ला के दिखाता हूँ, ये मैंने काफ़ी छोटा किया है। पबजी मोबाइल जब आप डाउनलोड करते हो तो थोड़ा बड़ा होता है। और जो स्पीकर माइक है मैंने बीच में ला के रखा है, मैप के जगह से हटा दिया है। और जो मैप है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसे बीच में ला के रखा है, और जो नेमिंग का है यहाँ पे, तो आपको ऐसा सेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोप करने का यहाँ पे है, ये 4 फिंगर क्लॉ मैं आपको बता रहा हूँ। और जो जंप का है और जो पिक एंड फायर का है सारी चीज़ें वहाँ पे ऊपर मैंने रखी है, स्कोप का है, उसके बाद नीचे क्राउच है, रिलोड है और प्रॉन है। तो इतनी सारी सेटिंग आपको करनी होगी अपने में। सबसे पहले एक काम करो, आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो और ये देख देख के आप अपना जो है कस्टमाइज कर लो, ऐसा सेम बना के आपको इसे सेव कर देना है। उसके बाद एग्जिट कर दो यहाँ से। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप देख लीजिए इसे खेलोगे कैसे। तो यहाँ पे मैं कैमरे के सामने इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजी पड़े। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बंदा आ रहा है, इसे मैं मारने की कोशिश करता हूँ। इसने भी मुझे काफ़ी अच्छा डैमेज दिया था लेकिन मेरी क्लॉ की वजह से मैं जीत गया, पीछे से लेकिन मुझे मार दिया। तो यार पीछे तो ध्यान गया नहीं और मेरी रिलोड में गोली थी, जो गन थी वो रिलोड में थी। तो कोई नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं मैं कितने दूर से बंदों को इजीली किल कर दे रहा हूँ और जो मेरा रिकॉइल है एकदम कंट्रोल करके।
यहाँ पे आप देखना, मैं कसम से एकदम मस्त मारूंगा इसे। यहाँ पे आप देख लेना, थोड़ा सा इसने अपना हेड दिखाया और मैंने उतने में ही इसका काम तमाम कर दिया। तो ये है मेरा क्लॉ, ये है मेरा ट्रिक। जहाँ दोस्तों ये आप फॉलो करो, जल्दी से आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी क्लॉ बना लो और इसे फोर फिंगर से खोलो। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन भाई अगर आप सीख जाते हो ना तो ईजिली बंदों को आप किल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए मैं इसे कैसे मारूँगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा भी भाई रिकॉइल नहीं हुआ था, मेरा फ़ोन ईजिली मैंने खत्म कर दिया था। इससे क्या होगा, आपकी जो मूवमेंट स्पीड है ना बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी। यहां पे मैंने इन दोनों को खत्म कर दिया, यहां पे आप देख लिए, और इसके थर्ड बंदे ने मुझे मार दिया। तो आपको अगर ये कर लेते हो तो आप फोर विंगर से खेलोगे तो आपका जो मतलब कंट्रोलर होता है वो बढ़ जाएगा। कुछ वो कंट्रोल करेगा, कुछ ये कंट्रोल करेगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको इजी पड़ेगा फायर करने में, इजी पड़ेगा आपको बंदों को किल करने में। इसमें मैंने जो है थोड़ा सा ही खेला था आपको दिखाने के लिए, फिर भी मैंने 11-12 किल कर दिए थे, मुझे पता भी नहीं चला मैंने कब कर दिए। तो दोस्तों आपको ऐसा कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में, बहुत ही इजी है भाई। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, पहले टाइम में आप नहीं खेल पाओगे, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, एक आध वीक आपको लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप इतना कमाल का खेलोगे ना, एमुलेटर के जो बंदे होंगे वो क्या आपका पीछा कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, ऐसे आप किल कर पाओगे बंदों को। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था भाई क्लॉ के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने बनाया, आप लोगों के मर्जी से ही बनाया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को 5000 लाइक पूरे कर दो, और अगर आप एक नए सब्सक्राइबर, एक नए व्यूअर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो। थैंक यू दोस्तों।